हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन सी एंड इंस्टीट्यूट में। मैं कोरियरी प्रसाद आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज के टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कि हम किस तरीके से पेज सेटअप और प्रिंट A4 पेपर में एक्सेल के द्वारा सेट करके हमें निकालने होते। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम जब कहीं पर जॉब करते हैं तो जॉब में हम डेटा एंट्रीज करते हैं, डेटा एंट्री के अंदर हमें कई सारे कॉलम का यूज़ करना पड़ता है और रो का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हम जब उसे A4 पेपर के अंदर प्रिंट करने जाते हैं तो वो A4 पेपर के अंदर पूरा सेट नहीं होता है। तो हम किस तरीके से उसको सेट करें और एक आसानी से हम A4 पेपर के अंदर उसे प्रिंट करें, आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं एक्सेल के अंदर। चलिए हम सबसे पहले हम हमारे एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सेल स्टार्ट करना आप लोगों को आता ही होगा। आपको करना क्या है, सिंपली विंडो R मीन्स रन बॉक्स आपका आ जाता है, उसमें आपको टाइप करना है एक्सेल, और एक्सेल जैसे ही टाइप करेंगे ओके करते हैं तो हमारा एक्सेल चालू हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारे एक्सेल को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डेटा शीट बनाई हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं डेटा शीट हमारी रेडी है और उसका हम एक प्रिंट प्रीव्यू पहले सबसे पहले देख लेते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में अगर हम उसे देखें तो हमारा पूरा डेटा एक साथ इसमें एग्जिट नहीं हो रहा है। अब पूरा डेटा अगर एग्जिट नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें उसे किस तरीके से सेटिंग करें। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने का सबसे आसान तरीका है कंट्रोल पी कर लेते हैं। कंट्रोल पी करोगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू की पूरी सेटिंग और उसका एक डिस्प्ले आपको दोनों शो हो जाएंगे। तो सेटिंग अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पे सबसे पहले आता है प्रिंट बटन, तो जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ कॉपीज पूछ रहा है जिसमें आपको बताना होता है कितनी कॉपी आपको प्रिंट निकालनी है, आपको वो सेट कर लेना है। इसमें मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट सेटिंग ही बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपका आता है डिवाइस कि आप उसका प्रिंट डिवाइस कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पेपर साइज मीन्स आपका पेपर कौन सा यूज़ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे ले लेना है। तो आप वैसे तो डिफ़ॉल्ट लेटर साइज पेपर सेट रहता है हर एक कंप्यूटर के अंदर, आपको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है A4। A4 सेलेक्ट करने के बाद अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर हम पेपर सीधा प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, और अगर हम उसे आड़े में प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे हम लैंडस्केप बोलते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लैंडस्केप कर लेंगे उसको। लैंडस्केप करने के बाद अब हम उसका हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसे एक बार प्रिंट प्रीव्यू वापस चेक कर लेते हैं, तो अभी भी बराबर नहीं आ रहा है। अब हम उसकी लास्ट सेटिंग करते हैं मार्जिन, तो वहीं पर आपको मिल जाता है मार्जिन। उसमें आपको नॉर्मल और एक नैरो मिलता है, नॉर्मल या डिफ़ॉल्ट जिसे कहो या नॉर्मल बोलो, तो दोनों में से आप जो होता है तो वो डिफ़ॉल्ट उसमें पहले से होता है, हमें उसमें से लेना है नैरो जो एकदम कम मार्जिन्स होता है, मीन्स 0.5 टॉप एंड लेफ्ट एंड राइट सभी में। तो डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर लिया कि हमारा 0.0 सेट हो चुका है। अब हम इसे एक बार फिर चेक करते हैं तो भी हमारा एक दो कॉलम रह रहा है। तो इसके आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है स्केल, उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिट कॉलम वन पेज, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने पूरे डेटा एंट्री के अंदर जितने भी कॉलम यूज़ किए होंगे वो एक ही पेज के अंदर मीन्स A4 पेज जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो A4 पेपर के ही अंदर पूरे एग्जिट हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो हमारा लास्ट पूरा का पूरा डेटा कार्ड संख्या तक आ रहा है, या मैं डेटा एंट्री के अंदर अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए तो कार्ड संख्या तक ही है, वैसे ही हमारे प्रिंट प्रीव्यू में भी कार्ड संख्या तक पूरे के पूरे कॉलम आ रहे हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि अगर आप कॉलम को भी पूरा करना चाहते तो आप वहां से फिट कॉलम वन पेज लेंगे तो आपका पूरा एक पेज के अंदर सारे कॉलम आ जाएंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते कि आप पूरे रो ही यूज़ करना चाहते तो आपको उसके जस्ट नीचे ऑप्शन मिल जाएगा रो वन पेज, तो फिट रोस वन पेज, तो अगर उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे जितने भी हमने रो नोट डाउन किए होंगे 50, 40, 60 तो वो A4 के अंदर ही एग्जैक्ट फिक्स हो जाएंगे। तो उस तरीके से हम उसमें सारे कॉलम और रो को अलग अलग तरीके से सेट करके काम कर सकते हैं। बट इसमें इस तरीके से हम सारे कॉलम को एग्जस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या कॉलम हमारे पूरे आने चाहिए, रो हमारे नेक्स्ट पेज में भी चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। तो हमने कॉलम को किस तरीके से करना है तो वो मैंने आपको बताया फिट कॉलम वन पेज से, और अगर डिफ़ॉल्ट रखते तो जो उसकी साइज़ है वो वही उसकी साइज़ रहेगी,
उसमें और कोई चीज़ दूसरी सेटिंग नहीं कर सकते। अगर आप इसको दूसरी तरीके से भी करना चाहते हैं तो आपको सिंपली बैक होना है और आपको अपने टैब मेन्यूज़ में जाना है। वहाँ पर आपको मिलता है पेज लेआउट, जिसके अंदर आपको सबसे पहले मिलता है मार्जिन, मार्जिन आप नैरो कर लीजिए, और उसके बाद मिलता है साइज़, जिसके अंदर आपको पेपर साइज़ कौन सी लेनी है वो ले लीजिए A4 लेने के बाद आपको वहाँ पर मिलता है स्केल फिट। जहाँ पर स्केल फिट ऑप्शन आपको मिलता है वहाँ अगर देख रहे तो वो पूरा 100% रहता है। अगर आप उसको स्केल फिट को कम करते हैं, माइनस करते हैं, तो क्या होता है कि आपके पेज की स्केल फिट बढ़ जाती है, जिससे वो एक ही पेज के अंदर पूरा डेटा प्रिंट करता है। अगर वो स्केल फिट बढ़ाते हैं तो उसकी घट जाती है, जिसके अंदर हम सिर्फ कम से कम कॉलम का ही उपयोग प्रिंट एक पेज में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्केल फिट के थ्रू भी हम अपने पेज सेटअप को सेट कर सकते हैं, और उसको सेट करने के बाद आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। आप कंट्रोल पी करके आसानी से प्रिंट कर लीजिए। आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से हम A4 पेपर के अंदर सारे कॉलम्स को प्रिंट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका मुझे वही लगा कि हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा था फिट कॉलम्स रो वन पेज, तो उसका यूज़ करके आप आसानी से कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको ज़्यादा सेटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।